एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। फल कथन की सीरीज में जो ग्रहों के उपाय सरल उपायों की सीरीज चालू की है, उसमें अभी तक हमने सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह आदि ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से, अगर ये आज हम जो बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे, किस तरह से बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, अगर बलाबल में कमी है, अस्त है, साथ में वो नीच का है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो आपका उसमें बलाबल भी नहीं है, 0 डिग्री, 29 डिग्री ऐसे कम डिग्री का है, तो वो जो जिस भाव में बैठा उस भाव से संबंधित जो फल है, जो बुध के फल होते हैं, तो बुध जैसा कि आपको मालूम है कि व्यापार है, व्यापार का कारक है, तो इस तरह से बुध के जो फल है उसमें कमी आएगी, तो बुध के परिचय देंगे। बुध को जो है सूर्य के बहुत नजदीक रहता है, तो कभी कभी यह सूर्य से अस्त रहता ही है। इसके बाद में ये बुध जो कारक है वो बुद्धिमान है, बुध अच्छा होगा, बुद्धिमान होंगे, विद्वान, निपुण, अच्छे वक्ता होंगे, वाक शक्ति का ये कारक है, तो वाक शक्ति अच्छी रहती है। अगर बुध अच्छा रहता है तो सफल नेता, व्यापारी बनने का आप में गुण रहता है। तो इस तरह बुध जो है ये ग्रह का जो ये सिंपल परिचय है, इसका प्रभाव जो है भावों में अगर कमजोर आ रहा है, उस भाव संबंधित फल नहीं दे रहा है, तो हमें उसके भावों को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर बुध अच्छा रहता है तो जातक, जो शिक्षक, लेक्चरर, लिपिक, लेखाकार, प्रकाशक, पत्रकार, दुकानदार अच्छा, व्यापारी, वक्ता, नेता अच्छा रहता है, परंतु तो अगर ये कमजोर हो जाता है तो इसमें कमी आती है और उसके जो फल है उसमें अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम आप हर एक भाव के हिसाब से बताएं कि अगर बुध आपके लग्न में स्थित है और वो मान लो अच्छी कमजोर स्थिति में, अशुभ स्थिति में आपके लग्न में बैठा है, तो आपका व्यक्तित्व का जो बुद्धि के प्रभाव से सुंदरता आती है उसमें कमी आएगी, आपकी विद्वत्ता में कमी आएगी और आप मिलनसार नहीं हो सकते, लोकप्रिय नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बुध के जो प्रभाव है लग्न पे ऐसे हो सकते हैं। अगर इसी तरह से हम द्वितीय भाव की बात करें तो बुध जो है द्वितीय भाव में, बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो द्वितीय भाव से संबंधित जो फल है हमारा बुध जो है के कारण जो रहता है, तो द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, हमारे धन की स्थिति को देखते हैं, तो आपका धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। अगर वो कमजोर स्थिति में है तो हमारा संचित धन में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ में हमारा यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो परिजन है उनसे कोई ना कोई मतभेद होने कारण हम दूर हो सकते हैं, तो इस तरह की खर्च में भी अर्थ का खर्च हो सकता है, यह यहाँ से हम देख सकते हैं। तृतीय भाव जो है ये यहाँ पे बुध को जो परिश्रम में कमी लाएगा, वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, डरपोक बनाएगा, हमारे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करेगा, इस तरह से जो है बुध का जो तृतीय भाव में जो फल है वो अच्छे नहीं होंगे, हमारे रिश्तेदारों से परेशानी होगी, चोरी आदि का भी भय रहेगा। चौथे भाव में अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो व्यक्ति जो है वो भाग्यवान नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, यहाँ से सुख को देखा जाता है, माता पिता से संबंध खराब होंगे, आलसी होगा, इस तरह से आप चौथे भाव के जो फल है उसमें कमी आएगी, जमीन जायदाद में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरह संपत्ति की हानि हो सकती है। पंचम भाव में अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो पंचम यहाँ पे आके जो बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि जो है कुशाग्र बुद्धि नहीं होगी, चीज़ें हमें जल्दी से यक्ष नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए, और हम प्रसन्नचित्त नहीं हो सकते हैं, संतान में कमी पैदा कर सकता है और बुद्धिहीनता दे सकता है, विद्या में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है, पंचम भाव संबंधित जो फल है उसमें कमी आएगी, मतलब इसका मानसिक तनाव भी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, और इस तरह से जो पंचम भाव के जो फल है उसमें धोखा हो सकता है। जैसे
छठे भाव में अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो रोग ऋण शत्रु के हिसाब से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारा कलह-प्रिय जीवन हो सकता है, रोगी हो सकता है, कामुक हो सकता है, जीवन में अस्थिरता रहती है कि मानसून जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। इसे सातवें भाव में अगर ये इस तरह का होगा तो हमें ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे अगर आपका बुध कमजोर स्थिति में आस्था है आपका, या यहाँ पे बुध की डिग्रीज, मान लो यहाँ बुध की डिग्रीज कम है, 0 या 29 डिग्री है, जैसे यहाँ बुध बैठा है तो ये बुध क्या करेगा, यहाँ से संबंधित जो अच्छे फल हैं उसमें व्यापार में भी अच्छे ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम। और यहाँ पे सप्तम भाव में पत्नी से जो सुख मिलना चाहिए या पति से जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी देगा और शरीर को कष्ट होगा, स्त्री को, स्त्री जातक को भी कष्ट होगा, तनाव की स्थिति आएगी और हमारी यात्राएं अच्छी नहीं होगी। इस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं अगर सप्तम भाव में है। इसी तरह अगर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव संबंधी जो फल है वो उसमें आपको व्यक्ति को उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अष्टम भाव से हमें देख सकते हैं कि आपको दुख दर्द जो हो सकते हैं, असाध्य बीमारियां हो सकती है। तो अष्टम भाव जो भी शुभ फल मिलना चाहिए वो परिवार से, चौथे से, ये परिवार से भी परेशानी उलझने करेगा और हमको मृत्युतुल कष्ट भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। ये नवम भाव में अगर ये बैठता है तो व्यक्ति विनम्र नहीं होगा, अच्छे स्वभाव नहीं होंगे, वो विद्वान वगैरह जो बनने का योग बनते हैं वो कमी आती है। और जो जो यहाँ पे नवम भाव में अशुभ होने से जो हमारी यात्राएं हैं वो अच्छी नहीं होती है, धर्म में अरुचि पैदा करता, कार्य में बाधा पैदा करता और माता पिता को कष्ट देगा। ऐसे कार्य क्षेत्र में दशम भाव में अगर बुध की अच्छी स्थिति नहीं है तो यहाँ के जो फल है उसमें कमी आएगी, हमको नौकरी में परेशानी आ सकती है, नौकरी में हम जो मान सम्मान वगैरह मिलना चाहिए व्यवसाय में हमें हानि होने के योग बना देता है। इसलिए दशम भाव के जो भी फल हैं वो हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। और 11वां भाव है लाभ का भाव है, लाभ संबंधित जो फल मिलना चाहिए उसमें, क्योंकि ये बुध का कारक है लाभ वगैरह का, लाभ देने का, अगर वो क्या दशम नहीं होगा अच्छा तो आदमी में साहस में कमी आएगी और जो हमें धन वगैरह मिलना चाहिए उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे बड़े बड़े भाई को भाइयों से सहयोग भी नहीं हो सकता है, तो इस तरह के फल प्राप्त होते हैं। 12वें भाव में अगर यह होगा तो हमें धोखेबाज बनाता है, कामुक बनाता है। और 11वां भाव से हमें अशुभ स्थिति होने पर निरर्थक भाग दौड़ में हमारा पैसा खर्च होता है, बनते कार बिगड़ जाएंगे और हमें कष्ट प्राप्त होगा। तो इस तरह हमने हर एक भाव में जो भी लग्न है, अगर बुध अगर आपका वहाँ पे निर्बल है, अशुभ है, अस्त है और साथ साथ में बलहीन है तो ये फल जो है वो बताएंगे। अब ऐसे फल होने पे अब उनके उपाय क्या कर सकते हैं, सरल से उपाय, क्योंकि हाँ बुध के पास जो विद्या बुद्धि है उसके बाद में अगर ये बुध इस तरह की स्थिति में हमें जो भी परेशानियां देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो बुद्ध के जो मंत्र हैं ओम बोध बुद्धाय का नमः का पाठ करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हमें भगवान गणेश जी की भी आराधना करना चाहिए, गणेश मंदिर जाके पूजा अर्चना करना चाहिए, माँ दुर्गा की भी आराधना करने से भी गणेश जी का जो प्रभाव है उसमें कमी आती है। इस तरह से अगर हम छोटे छोटे उपाय अगर करते रहेंगे तो हमें ये जो बुद्ध के उपाय जो सरल उपाय है उसकी जानकारी में आगे हम बताएंगे कि बुद्ध करे अगर दशा अंतर दशा हम पीड़ित कर रही है, जो भाव में बैठ के उस भाव को पीड़ित कर रहा है तो हमें जो हमारे रिश्ते में मौसी बहन चाची बेटी ये सब बुद्ध के प्रतीक हैं तो इनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इनको समय समय पर अपने अपने अपनी ओर से
कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए, जो तो इससे आपको सहायता मिलेगी। तो इनसे अच्छे रिलेशन, इनका आदर सत्कार करना चाहिए, मौसी का, बहन का, चाची का, बेटी का। हमारे घर में तुलसी का जो पौधा आप लगाए हैं उसको जरूर डेली पानी से सींचना चाहिए उनको, और तुलसी का जो पत्र है उसको तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। इस तरह से बुधवार का व्रत भी करने से भी हमको सहायता मिलेगी। बुधवार का व्रत करेंगे तो वो भी हमको अच्छे फल देगा। इस तरह से आपने देखा कि ये सरल सरल से उपाय हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए। हमारे जो घर में थोड़ा हरे वृक्ष फूल पौधे जो छोटे छोटे लगाए हैं तो उनकी पानी डालना चाहिए, जो पेड़ पौधों की सेवा करना चाहिए, तो इससे भी हमें बुद्ध का प्रभाव अच्छा होता है। तो आप बुद्ध को अच्छा करने के लिए ये उपाय जरूर कीजिए, बहुत ही सरल है। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करने से भी बुद्ध अच्छा होता है। फिर गाय को भी अगर हरी घास हरी पत्तियां खिलाते हैं तो भी बुद्ध के प्रभाव में कमी आती है। तो ये बहुत ही सरल उपाय हमने बताए जो आप हमेशा कर सकते हैं, और इसके हमेशा निरंतर करने से आपके बुद्ध के जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आएगी। और आपको गणेश मंदिर में बुधवार को जाके जो भी लड्डू का भोग लगाना चाहिए था बच्चों को बांटना चाहिए। फिर बच्चों के लिए भी आपको हो सके तो उनके पढ़ने वगैरह के लिए भी कुछ सहायता, अनाथ हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी सहायता करने से भी बुद्ध हमारा जो पीड़ित है वो या कमजोर है अशुभ है वो फल अच्छे देगा। तो आप अनाथ बच्चों के लिए भी, गरीब छात्रों के लिए भी सहायता अपनी ओर से कर सकते हैं। तो ये बहुत से सरल सरल उपाय आपको बताए हैं जो कि इसमें खर्चे ज़्यादा नहीं है, और आप प्रतिदिन करेंगे, मंत्र के जाप करेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे, दुर्गा जी की आराधना करेंगे, मंत्रों के जाप करने से और हमेशा जो बताया कि अनाथ बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, मौसी बहन बेटी चाची आदि सच्चे व्यवहार करने से हमारा बुद्ध ग्रह की जो पीड़ा है वो दशांतर दशा गोचर में खराब चल रहा होंगे, और जिसके जिस भाव में बैठ के उसके फल को जो खराब कर रहे हैं तो उसमें सुधार आएगा। तो इस तरह से आपने जाना बुद्ध ग्रह के बारे में, और उसके किस तरह का बुध भावों में क्या प्रॉब्लम दे सकता है, और आपके कुंडली में अगर इस तरह का आपको लग रहा है तो ये सरल से उपायों के द्वारा उनको हम शांत कर सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल है एस्ट्रोल सिंप्लीफाइड को जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और साथ साथ में आपको हमारे से परामर्श कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।